औरतों को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल है आदमियों के लिए। आदमियों का क्या, हर औरत देखकर खुश हो जाते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जब बेटियां इतनी प्यारी और पापा की परियां होती हैं, तो शादी के बाद इतनी खतरनाक कैसे बन जाती हैं? मैंने कुछ नहीं किया। इसकी जैसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, पास में खड़े होकर बदबू फैलाती है और बोलती है मैंने कुछ किया ही नहीं है। Oh my God. आराम से करने भी नहीं देते। गुस्से में पत्नी पति पे बड़बड़ाती तो है, पर साथ में घर का सारा काम भी करती है। सुनो जी, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाएंगे। चलो ठीक है, पर वादा करो घर तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पूरे घर में फैला के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ करते ही बसला कान में लीड लगा के बैठे रहते हैं। गाने सुनवा लो बस। आदर्श पति किसे कहते हैं, जो बीवी के तानों को भी तरानों की तरह सुने। कुछ आगे काम कर लो। रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, ये सब शादी के पहले के चूचले। अब तो चाय दे, रुमाल दे, टिफिन दे, कंबल दे, सोने दे। कितनी बार कहा है दामाद जी, अब बिटिया तुम्हारे घर नहीं आएगी, क्यों बार बार फोन करते हो? अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको इसलिए फोन किया था, ये सुन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yes. बाबू एक बात बोलूं, अब तुम ही इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। वो कैसे? अपने मायके जाकर। आप ना आंवले का जूस पिया करो, उससे खून साफ होता है। खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, उसमें भी नखरे दिखाओ। नो। तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? नो। बता क्यों नहीं देती? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या देख रहे हो? टेंशन की इतनी आदत हो गई है, जिस दिन टेंशन ना हो तो ये टेंशन होती है कि आज टेंशन क्यों नहीं है। मुझे क्या देख रहे हो, मैं टेंशन हूँ? एक बात बताओ, रेल में लोग चुप नहीं बैठते और हवाई जहाज में लोग बात नहीं करते, आखिर बात क्या है? जोड़ों का दर्द क्या होता है ये तो जोड़े ही जानते हैं, कुवारों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी बदमाशी भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, कैद में रह के परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। पत्नी अपनी सास की बुराई अपने पति से कर सकती है, लेकिन पति अपनी सास की बुराई अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। ऐ दामाद जी, कल आपके साले के लिए लड़की देखने चलना है, हो सके तो आप भी चलना। आप ही देख लो, मेरा खुद का डिसीजन गलत निकला। नो। मैं तो बहुत अच्छी लाया हूँ ना। कौन कहता है लड़कियाँ कमजोर होती हैं? लड़का पूरी बारात लेके आता है, शेरनी पूरी बारात के साथ अकेली जाती है। जब दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध रोड पे फेंक देते हैं, जब सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी रोड पे फेंक देते हैं। पता नहीं इन बैंक वालों को कब अकल आएगी।
कुछ काम कर लो, इन डायलॉगों से घर नहीं चलता। काम के ना काज के डायलॉग मारेंगे। आप ना बड़े भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। शुरू बात तो तेरे बाप ने ही की थी। नो नो नो। एक बात बताओ, आज खाना क्यों नहीं बनाया? गिर गई थी और लग गई थी। कहाँ गिर गई थी, कहाँ लग गई थी? तकिए पे गिर गई थी और आंख लग गई थी। आपका तो अपना मकान था ना, फिर किराए पे कैसे आए? पहले वो किराए पे रहता था, उसने फिर मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताया, अब हम दोनों किराए पे रहते हैं।